ये है आसमान से गिरने वाला सांप। हमेशा लोगों के अंदर में एक अंधविश्वास पैदा हुआ है और ये देखो कि कैसे इसने मजबूत पकड़ कर ली है, मेरी उंगली को बढ़िया सा पकड़ लिया है। ये देखो कैसे देख रहा है सामने। ये बहुत शांत सांप होता है पर लोग इससे डरते हैं। ये नॉन वेनमस है, ये हमेशा बरसात के टाइम में ज़्यादा निकलता है। अकेला है, इसके साथ और एक जोड़ी होगा, यही कहीं घूम रहा होगा। ये यहाँ पे हम साफ सफाई कर रहे थे। इससे काटने से कुछ भी नहीं होता है, जब भी काटता है तो टीटी का इंजेक्शन लेना है, ठीक है। इसका कलर देख लो, पीला। ऐसे कई मैंने पिछले बार भी ऐसे वीडियो बनाए हैं। कभी भी ऐसे जीव मिलते हैं, ऐसे सांप मिलते हैं तो उसे मारना नहीं, उसे बचाना है। ये पर्यावरण का हिस्सा है, ठीक है। एक जीवन चक्र है और हर प्राणी इस धरती के ऊपर अपना जीवन चक्र पूरा करता रहता है। मनुष्य मुर्गियों को खाता है, मुर्गी दानों को खाती है, और इंसान दानों को ही बोता है, उसी दाने को बढ़ाता है। और ये छोटे छोटे छिपकली, मेंढक, ऐसी चीज़ों को खाता है। साइज बहुत छोटा है पर भक्ष बहुत बड़ा वक्त करता है। ये कभी आसमान से गिरता नहीं है, ये पेड़ों में रहता है। इसको नज़दीक से और देखोगे तो इसका देखो एक कलर, ये पीछे के साइड में वाइट, ये पीला साइड में है, बहुत सारे। ये देख लो, बहुत यानी डरा हुआ है ये। अभी इसमें पता नहीं चल रहा है ये नर है या मादा है। बहुत ही बढ़िया सांप है ये। हाँ हाँ, देखो ये कैसे उठा हुआ है, बहुत ही अच्छा। तो ऐसे जीवों को बचाना है हमें, बाकी दूसरा कुछ नहीं। अंधविश्वास से दूर रहे, अंधविश्वास ही सबसे इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अंधविश्वास है, अज्ञानता है। इसे हमें मिटाना चाहिए। लोगों को जो जानकारी है उसे शेयर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि भाई जो डर बचपन से हमारे अंदर में पैदा किया है उस डर को निकालना है। और मेरा काम यही है, आपको सही जानकारी देना, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।